भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत स्थिति में बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन के साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है। मई माह में कंपोजिट PMI बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया है, जो 14 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। क्षेत्र में मेक इन इंडिया का काफी असर हुआ है। इसकी बानगी हाल ही में जारी कंपोजिट PMI यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में भी देखने को मिली है। मई महीने में कंपोजिट PMI बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया। देश में मांग को मिली गति, खासकर सेवा क्षेत्र में तेजी आने से ऐसा हुआ है। HSBC की ओर से जारी ताजा सर्वे के मुताबिक भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है, जो पिछले 14 साल की तीसरी सबसे मजबूत रीडिंग है। PMI मजबूत बने रहने के कारण निजी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन हुआ है और मासिक आधार पर रोजगार पिछले 2 साल से बढ़ रहा है। साथ ही सर्वे में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को मिलाकर 21 महीने में कारोबार की मात्रा सबसे तेजी से बढ़ी है। बैकलॉग बढ़ने के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों को लेने के अलावा भारतीय विनिर्माताओं ने उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त सामग्री की खरीदारी भी की है। दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए PMI में बढ़ोतरी होना इकोनॉमी के सेंटिमेंट के बारे में बताता है। सरल शब्दों में कहें तो PMI जरिया है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार, नए ऑर्डर्स, बिजनेस एक्टिविटी को मापने का। साथ ही देश में महंगाई पर नियंत्रण और राजनीतिक स्थिरता के चलते भी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।